गुगली मास्टर रहे हैं आप बत्तीस से ज्यादा प्लेयर्स को आपने स्टंप आउट कर दिया लेकिन वसीम भाई क्यों रोकते थे आपको गुगली करने से दास दियो आज जरा अच्छा मेरी और मोइन की ना बड़ी आपस में जब हम दूसरे से गुस्से में आते थे ना बहुत हम जगरी यार है अच्छा मोइन इंजी माय सेल्फ हम अंडर फोर्टीन से कट्ठी क्रिकेट खेल रहे हैं मोमिन अच्छा तो जब उसको कोई मैं तंग करता था ना ज्यादा तो वो पीछे से जब मुझे कोई चौका पड़ता था ना हालांकि मैं बॉल लेग ब्रेक की होती थी तो वसीम भाई ने मीटिंग में कहा था कि आपकी जो गुगली है ना ये वेपन है आपने इसको विकेट टेकिंग तौर पे इस्तेमाल करना इसको हर दफ़ा नहीं इस्तेमाल करना करना तो मैं ऐसे लगता कि हर गेंद मैं गुगली ते विकेट ले लांगा अब मोहन को जब पता चलता था चौका पड़ा है वो टांग रख के मुझे चौका पड़ा है एक तो मोहन ने पीछे से ना मेरी तरफ देखा नहीं तो मैं देख रहा था मोहन को तो मईन ने वसीम भाई को ना कवर में वो खड़े थे एज ए कैप्टन तो आंख मार के ना ऐसे आंख मार के कहते हैं ऐसे इशारे के गुगली क्योंकि गुगली के लिए हाथ घुमाना उल्टा पड़ता है तो कह रहे गुगली है तो बसीम भाई ने कहा यार मुशी मैं तेन कह रहे हैं गुगली ना कर फिर तू तो गुगली करके चौका खा लिया और मैं क्या कसम से बसीम भाई अल्लाह की किस्में लैग ब्रेक सी जान के तो मेरे वास्ते ना लड़ाई तो ग्राउंड च मेरे नड़ाई तो करा रहे हैं <laughs> ग्राउंड में लड़ाई करवा देता था मोहन अच्छा क्रिकेट तो चल रही है न यह भी काम चल रहा है थोड़ा शुगल मेला भी चल हम तो बहुत हमारी क्रिकेट में जो नाइनटीज के क्रिकेटर्स न मोहन वही यूज टू इंजॉय आयर क्रिकेट अलॉट उसमें पता क्या जब हम मतलब मुझे एक मैच में मार पड़ रही है अब सईद अनवर बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ी है उनकी कवर में खड़े और मुझे तीन चार चौके एक ओवर में लगातार पड़े और वो मैं पाँचवीं छठी विकेट पर छठे बॉल पे मुझे विकेट मिल गई वो कवर से भागते हुए आए मैंने कहा शाबाश देंगे आके मुझे शाबाश दी और कहते हैं मुशी डन मैं हेलमेट मंगवा लूँ मैंने कहा सईद भाई हेलमेट क्यों मंगवा लूँ कवर में फील्डिंग तो कर रहे हैं तो क्या मैं क्या हेलमेट क्यों मंगा लूँ कहने जिनी ज़ोर जोर से तो खा रहे हैं मैंने कवर से डर लग रहा है बाउंड्री से डर लग रहा है मैनू गेंद ना भाजी है इसी इसी से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा ना ग्राउंड में हंसी मजाक चलता रहता है एक दफ़ा सिद्धू पाजी से आपकी गर्मी सर्दी हो गई उन्होंने मोइन भाई से कहा कि अनु समझाला है वरना साडी हाथापाई हो जानी है ये क्या वाकया था ये ट्रिनपा तो, जी अपने भारत के क्रिकेटर नवजोत सिद्धू है उनसे मेरी बड़ी यारी थी हमारी हम बहुत आपस में दोस्त थे अभी भी जब भी मुलाकात करते हैं तो अच्छी मुलाकात होती है तो वो जब खेल रहे होते थे ना तो मैं मेरा रोल होता था उसको हाइप करना उसको ऊपर करना और मोइन का रोल होता था उसको डिग्रेड करना <laughs> तो अब ये हमारा कम्बिनेशन उनको नहीं पता था इस बात का तो क्या किया वो जब टोरंटो में मैच हो रहा था तो आई थिंक शुएब अख्तर या जाहिद बॉलिंग कर रहा था बड़ी तेज़ तो शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था तो इन्होंने निकल के मारी तो लगी नहीं तो मोइन ने पीछे से आवाज़ लगाई अ सिद्धू पाजी की कर दोंगी हिटा मार दे तो आड़े को। अगर आ, सुन रहे वो। हाँ, हाँ, वो पंजाबी थे आप उनको गुस्सा चढ़ा अंपायर को गेंद रुकवा के ना मोइन की तरफ चले और मोइन को जा कहते हैं और मेरी गल सुन तू मू शे बख्तर को डरा रहे हैं मैं वैस इंडीज एडे एडे लंबे एडे फास्टफुल 15 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ उधर से मैंने देख लिया आप गर्मी चढ़ गई है मैं सिद्धू पाजी जी क्यों हो जे कहें यार देख मोइन मुशी है देख की करता पे यू नो लाइक ही मनु डरा रहा, रहा शेयब अख्तर को मैं सिद्धू पाजी जी तुम्हें आओ इधर वो वाकई फुल टॉस करा के तह तो मरवा ना दे गेंद <laughs> कहें अच्छा ये गल आ जा फिर ठीक है तू कर वो इस तरह हम शरारत करके उनका माइंड सेट गर्म करके और विकेट भी ले लिया करते थे अगली बॉल पर सिद्धू पानी जी ने क्या किया था सिद्धू पा ने ना वो डिफेंस कर लिया था मेरा बीट हो गए थे मगर हमने शरारते करते थे ना सचिन को कह देते थे सचिन तेंदुलकर खेल रहा होता था अब प्लेयर ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर यू नो लाइक उसको आप ये कहना मैं करीब से जा रहा हूँ मोइन करीब से इसको आउट ना करना इसको आउट ना करना अब सचिन सुन रहा है कानों कहना कनखियों से देखता था इस तरह क्यों कह रहे हैं ये इसको आउट ना करना इसको आउट ना करना वो कह रहे क्यों अरे भाई क्यों कह रहे हो इस तरह <laughs> तो हम कह रहे थे इसलिए कह रहे हैं कि तू तो अपने लिए खेलता है तू टीम के लिए खेलता ही नहीं है अब हुआ क्या मोमन कई दफ़ा वो गुस्से में आके हिट मार देता था हालांकि बड़ा काम और बड़ा वो उसके अंदर बड़ा पेशेंस था और शरवाग उल्टा था हम शरवाग कहते तू गेंद ही नहीं रोक सकता तू गेंद ही नहीं रोकनी आती वो वाकई उसको नहीं रोकनी आती वो बड़ा डेंजरस प्लेयर था वैसे तो आप लोग क्रिकेट तो क्रिकेट अगलों के माइंड के साथ भी खेल रहे होते थे ये मोइंड और मैं तो मैं सईद सही धनबाला दर, अक्सर कहते हैं अगर तेरी तीन सौ छियालीस विकटा ना इंटरनेशनल तो वह तीन सौ गलत ने मैं कह किसा कहते तू मोइन ना गलत तरीके ना कर कर के ने अपील करके लिए भी वो कहते थे कि आपकी विकटो में मोइन भाई का बड़ा हाथ बहुत है। आ मोइन मुझे था मुशी ये अंपायर थे वीक है इसके ऊपर दो तीन अपीलें करना ये विकेट विकेट ले लेगा और हम तो देखते भी नहीं थे आउट करके हम तो दोनों छिलागे मार के सेलिब्रेशन कर रहे वो कह रहे मुशी वेल बोल्ड कम ऑन वेल डन वो अम्पायर ने कहा कि कितने कॉन्फिडेंस ने रोला पाना पाई रखना दे ही दे और अगर एस उस वक्त थर्ड अंपायर होता तो हो सकता मैं और मोइन जेल में होते इस विकेट दोनों संजू बाबा आईसीसी की तरफ से बैन हो जाते कि इन्होंने हमारे अंपायर पे इतनी गलतियां गलतियां निकाली है ये एक मजे की बात है अब भी आजकल प्लेयर्स में बाबर आजम रिजवान विराट इनमें एक बड़ा कॉरडियल रिलेशनशिप नजर आता है लेकिन जो फ्रैंकनेस आप लोगों के बीच में थी ना फ्रैंकनेस और एक छेड़ाछाड़ी उस तरह आजकल नहीं देखने को मिलती इसकी क्या वजह आई थिंक हम हमारी बाउंडिंग बहुत तगड़ी थी वोमेन अब सोशल मीडिया का दौर है उस वक़्त ना फ़ोन इतना करीब नहीं होता था उस वक्त इंसान इंसान के पास टाइम बहुत था एक दूसरे के हाँ। लिए। अब अनफॉर्चुनेटली ये इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं अब ये जो मोबाइल है ना दैट मोबाइल इज़ टेकिंग अ फैमिलीज़ फ्रेंड्स एंड गुड वंस अ लव वंस अवे अस टू के वर्ल्ड कप के फाइनल्स वाले इन जी भाई का पेट खराब हो गया था

आकिब जवेद और पता नहीं कौन था मेरे खा वकार था तो हम ऑस्ट्रेलिया में ना हमें मन का इमरान भाई खाने पे लेके जा रहे हैं डिनर पे और सॉरी लंच पे तो प्रैक्टिस करके आए हम लंच पे लेके गए तो पिज़्ज़ा हट इमरान भाई इमरान भाई पिज़्ज़ा हट पे ले गए अब हमने कहा कि चले बड़े हैं कप्तान है हमारे कल्चर में है कि बड़े लोग जो होते हैं वो पैसा देते हैं और फिर अमीर भी हमसे ज़्यादा हैं तो पैसे वो देंगे तो खाना आया खाना खुना खाया हमने अपना सब कुछ होगा उन्होंने दूध का एक वो वंगाया खाया था पिज़्ज़ा हाँ पिज़्ज़ा सब ने खाया ना पिज़्ज़ा मंगवाया खाया सब ने हम चारों ने खाया हमने खाया था जो शुक्र है चलो पैसे बच गया आज डेली अलाउंस बच गया तो खाना खुना खा के खड़े हुए जेब में से हार निकाला उन्होंने बिल को देखा बिल था वो सेवेंटी एट या सिक्सटी एट समथिंग लाइक दैट बर वो बिल को देखा उन्होंने डिवाइड किया मैथमेटिकली उन्होंने कहा जी चार बंदे हैं सतारा सतारह डॉलर हमारे हिस्से आएंगे ये सतारह डॉलर मेरे हैं बाकी तुम अपने अपने देख के प्रैक्टिस पे पहुंच जाना <laughs> लग गई मगर इसमें इसमें एक मैसेज भी था मैंने उसको पॉजिटिव लिया मोहमेन आपके पास अगर पैसे हैं तो आप रिलाय कभी जिंदगी में किसी के ऊपर रिलाय ना करना कोशिश करना आपका हाथ ऊपर हो नीचे ना हो क्योंकि ऊपर वाला हाथ तगड़ा हो <laughs> मुझे भाई ये बताएं कि 1992 के फाइनल से पहले उम्मीद थी कि जीत जाएंगे 1992 के फाइनल से पहले नहीं जब हम सारे मैच हारते रहे थे दो के मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया <laughs> में जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीता है ना आप अगर वो मैच जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो दोबारा देखना उस वक्त उन्होंने कहा था कि इफ यू फाइट इफ यू फोर्ट लाइक लाके कॉर्नर टाइगर अगर तुम कॉनर टाइगर्स की तरह ये मैच ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जीतोगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे और इफ़ में वर्ल्ड कप जीतने में इफ़ एंड बट्स भी थे मोमिन उस वक्त कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता बड़े थे उनका एक पर्सनैलिटी भी ऐसे थी फाइनल के दरमियान में इतना कॉन्फिडेंस हमारा हाई हो गया था न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हमने मारा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा और जो इफ़ एंड बट्स होते हैं ना कहते हैं ना जब इंसान का गुमान तगड़ा होता है ना किसी चीज़ को वो अचीव करने के लिए जुस्तजू करता है तो फिर अल्लाह उसके फ़ैसले उसके मुताबिक करता है क्योंकि होता है पता है क्या है हमारा गुमान कई दफ़ा कमज़ोर होता है उनका गुमान बड़ा तगड़ा था मैं तो कह रहा था कि यार तो आखिरी दो मैच रह गए ने राम ना चुप करके बैग पैक करो और घर जाके पाकिस्तानी लोग थोड़े बहुत डांटे डूंटेंगे गालियाँ गुलियाँ देंगे उसके बाद सीधे पदरे हो जाएंगे फिर हम कोशिश करके इंग्लैंड के टूर की प्रैक्टिस करेंगे हम ये सोच रहे थे अब 21 साल उम्र थी हमारी उस वक्त मेरी वसीम भाई की बाईस तेईस साल थी फाइनल वाले दिन ये हैविंग सेट दैट फाइनल वाले दिन जब वो हिकका है ना ग्राम हिक वज वर इन अ ग्रेट फॉर्म तो ग्राम हिक जैसे ही अंदर आया तो मैंने कहा इमरान भाई के पास गया अब कोई बात ऐसे नहीं कर सकता था मगर कॉन्फिडेंस और लेवल ये हमारा था माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज इतनी तगड़ी हो गई थी मैंने कहा इमरान भाई मुझे बॉल दे दें दे, दो ओवर दे दें मैं इसको आउट कर दूँगा वो कह रहे हैं ये मेन प्लेयर है उनका इंग्लैंड का ये बहुत फॉर्म में है मैं कह इमरान भाई इसको मेरी गुगली समझ नहीं आएगी आप मुझे बॉल दे दें आगे से उन्होंने भी ना नहीं की वो तो आगे से मुझे डांटते जिस तरह नहीं कल्चर में कई दफ़ा कोई बच्चा कहता है बाबा ये मुझे करने के दें या टीचर को या, और तो ठहर दे देते ज़्यादा आंधी है तो मैं वो इस इस तरह उन्होंने जब मुझे कहा मेरा कॉन्फ्रेंस देखा उनका आ जाओ मुझे दो ओवर के लिए ले ये हालांकि पहले बॉल पर एक तिक्का एक चौका भी लगा कट पर अब मैं वो सेट कर रहा था उसको गुगली के लिए अब वो कट मारी तो उसको पता चल गया कि बार कट करती है अब मुझे पता चल गया था इसने कट मारने के लिए तैयार हो गया कि मेरा गेंद ऑफ टर्म से बाहर है वो ऑफ टर्म से फिर मैंने गूगली की वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मेहरबानी से इज्जत रख लिया अल्लाह ने इज्जत ऐसी रखी कि बिलीव भी तगड़ा था और गूगली वो बड़ी जबरदस्त हुई है वैसे और उस गुगली पर जैसे ही विकेट मिली है इमरान भाई ने आके शाबाश दी और कह वर्ल्ड रन शाबाश और आपकी तो सेलिब्रेशन भी वो कहाँ से जो आई वो आ गई थी वैसे नेचुरली थी वो नजर ही आपका स्टाइल भी एक मजेदार सेलिब्रेशन का हाँ। हां वो वैसे आज भी मैं देखता हूँ ना खुद अब मैं रियलाइज करता हूँ कि ये कैसे हो गया बहुत नेचुरल था मोमेंट वो एकदम जो होते हैं ना कहते हैं कि अगर आप देखें अब देख, ये वाली गुगली थी उसको बिल्कुल समझ नहीं आई जी ये 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 ये, 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 ये